नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, डीएलएड एग्ज़ाम प्रशासन की लापरवाही की वजह से गणित का पेपर लीक, 2.5 यानी 2.5 लाख पर शिक्षु दोबारा एग्ज़ाम देंगे। तो फ्रेंड देखिए, डीएलएड का जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसमें गणित का पेपर लीक हो चुका है और 2.5 लाख पर शिक्षु दोबारा देंगे एग्ज़ाम। 2 घंटे पहले ये न्यूज आई है। तो यूपी में डीएलएड और बीटीसी की परीक्षा समाप्त हो गई, लेकिन कुछ जिलों में गणित का पेपर आउट हुआ है, जिस कारण कई परीक्षा केंद्रों पर दोबारा पेपर कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि परीक्षा होने से आधा घंटा पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पे लीक हो गया था। ठीक है फ्रेंड, तो कहाँ पे लीक हुआ था? व्हाट्सएप पे, जिसके बाद प्रशासन ने परीक्षा तत्काल निरस्त करने का भी निर्देश दिया। अब करीब 2.5 लाख प्रशिक्षु फिर से परीक्षा में बैठेंगे। वहीं मऊ के सोनी थापा में भी सामाजिक अध्ययन का पेपर लीक हुआ, यहाँ भी फिर से परीक्षा कराई जाएगी। तो कहाँ होगी? मऊ के सोनी थापा में सोशल साइंस एंड सामाजिक अध्ययन का पेपर लीक हुआ, ये फिर से परीक्षा करवाई जाएगी। प्रशासन की लापरवाही की वजह से पेपर लीक होने पर प्रशिक्षुओं ने नाराज़गी व्यक्त की है। प्रशिक्षुओं ने कहा कि इनकी नाकामी की वजह से हमारा एक दिन बर्बाद हो रहा है। सचिन कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने कहा कि आप समझ सकते हैं कि महामारी के समय में पेपर देना कितना कठिन काम है। ज़रा सोचिए, 2 बार देना पड़े तो उस समय तो हमारा बर्बाद हो ही रहा है ना, मतलब इनका समय बर्बाद हो रहा है ये बता रहे हैं। तो फ्रेंड ये रहा ओवरऑल न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। डीएलएड का एग्ज़ाम जो है लीक हो चुका है, मैथ का पेपर और सोशल साइंस का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।